बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देख रहे हैं टेक्निकल पॉइंट लतीफ़ उस्ताद। दोस्तों, मेरे एक दोस्त के ख़ास फरमाइश पर ये वीडियो मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ कि उसने मुझे बोला कि यारा, मुझे जो मल्टीमीटर है या क्लेम मीटर है, जो एम्पेयर और जो हम ये सोलर लगा रहे हैं और सोलर पर मुझे समझ नहीं है, मैं सोलर के एम्पेयर कैसे चेक करूँ, मैं सोलर के वोल्ट से कैसे चेक करूं, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए कि ये हमारे पास एक क्लेम मीटर है जो कि LNT कंपनी का मीटर है, बहुत ज़बरदस्त। मैं ख़ुद भी इससे काम करता हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत से दोस्तों को ये भी पता नहीं कि इसका प्लस पॉइंट कौन सा है और न्यूट्रल पॉइंट कौन सा है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जिसका जो इधर लिखा हुआ है कामन, COM कामन पॉइंट, तो इस पर हम लगाएंगे जो न्यूट्रल वाली काली तार है वो हम लगाएंगे, और जो इस पर इधर लिखा हुआ है HZ यानी हार्ट्ज, और जो फ्रिक्वेंसी है, ये मीटर फ्रिक्वेंसी भी चेक कर सकता है, वोल्ट भी चेक कर सकता है, डायोड भी हम इस पर चेक कर सकते हैं, और जो बजर कंटिन्यूटी है वो भी हम इस पर चेक कर सकते हैं। आज मैं इस पर थोड़ी मुख्तसर वीडियो बनाऊंगा, वो मैं आपको ये बताऊंगा कि इस पर हम AC एम्पेयर, DC एम्पेयर और DC वोल्ट और AC वोल्ट कैसे चेक करेंगे। तो आज मेरे पास जो सोलर पैनल है इधर DC, जो DC का काम है, हम इस पर DC का काम चेक करेंगे। तो ये मैंने प्लस पॉइंट इधर लगाया दोस्तों, ये अभी मेरा मीटर आप पोजीशन पर है, और इसको मैं ऑन करता हूँ। तो इधर हमारे पास इसमें जो ये तीन बटन आपको नज़र आ रहे हैं, एक पर हम इसको होल्ड कर सकते हैं, जो आपने रीडिंग ली उधर हम होल्ड कर सकते हैं। ये जो रिज़ल्ट का स्विच है, इस पर हम आप अपने मीटर को रिज़ल्ट कर सकते हैं, और ये जो है ये सेलेक्ट है, इसका मतलब ये है कि आप अभी AC वोल्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं कि DC। तो मैं इधर अभी इसको DC, ये AC वोल्ट है तो मैं DC को सेलेक्ट करूँगा। अभी मैं जो हमारे पास सोलर है, 8 सोलर पैनल 340 वाट के, उसके वोल्टेज अभी हम चेक करेंगे। तो मैं इसमें मैंने दोनों तारे काटे हुए हैं, मैं अभी चेक करूंगा कि इसमें प्लस पॉइंट कौन सा है और न्यूट्रल पॉइंट कौन सा है, क्योंकि प्लस और न्यूट्रल या वो मनफी तार है, माइनस और प्लस, अगर आप DC में इसका एहतियात करेंगे तो कोई भी चीज़ अगर आप लगा रहे हैं तो वो आपसे ख़राब नहीं होगा। अभी मुझे इसमें पता नहीं है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, तो चले हम चेक करते हैं। दोस्तों, मैंने एक तार इधर लगाई और एक इधर लगाई, तो मीटर पर मैं रीडिंग लूँगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने मीटर के पेन लगाए तो हमारे पास 337 वोल्ट आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं DC जिधर लिखा हुआ है उधर एक मनफी का निशान आ गया। तो ये हमारा जो मीटर के पेन है, एक काला एक सुरख, तो वो उल्टे हैं। मैं इसको चेंज करूँगा, जो मैं जैसे इसको चेंज करूँगा मीटर पर हम नज़र डालेंगे तो आप देख सकते हो 337 वोल्ट, और जो DC के नीचे वो निशान था वो गायब हो गया है। इसका ये मतलब है कि अभी हमारा जो प्लस और माइनस पॉइंट है वो बिल्कुल सही है, यानी जो सुरख है वो प्लस है, जो काला है वो माइनस है। मैं अपने तार पर एक निशान लगाऊंगा कि मुझे पता लगे कि ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। तो दोस्तों, अभी हम एम्पेयर चेक करेंगे, मीटर को हम 400 एम्पेयर पर ले जाते हैं, और वही जो सेलेक्ट वाला स्विच है उधर से हम DC को सेलेक्ट करेंगे, और अपने जो हमारे एम्पेयर है उसको अभी हम चेक करेंगे। मीटर में एक तार डालेंगे और दोनों तारों को शॉर्ट करेंगे, तो हमारे पास 004.9 एम्पेयर अभी आ रहे हैं। तो ये हमारा एम्पेयर टेस्ट हो गया। अगर दोस्तों इस मीटर के बारे में आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इस पर और भी वीडियो बना दूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएँ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।